नमस्कार, मैं भावी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आखिरकार फिर एक बार जीत गई मोदी सरकार। देश की जनता ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है और उन्हें अगले 5 साल के लिए देश की भागदौड़ सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद एक तरफ जहां बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, कांग्रेस में माहौल गमगीन है। लोकसभा चुनाव में भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों को मिल रही बढ़त को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास विजय भारत। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ट्वीट, मोदी सरकार बनने के लिए देशवासियों को बधाई, पीएम मोदी को इस ऐतिहासिक जीत के लिए एक के बाद एक कई बड़ी बड़ी हस्तियां बधाई दी जा रही है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी पीएम को बधाई दी है। सुषमा स्वराज के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके बधाई दी। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा, एक ऐतिहासिक जनादेश के लिए नरेंद्र मोदी जी को बधाई। आज का दिन निश्चित रूप से भाजपा और उनके सहयोगियों के नाम है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस को भी एक अमित शाह चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजे देख कांग्रेस नेता को आया हार्ट अटैक। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव की अपनी जीत को जारी नहीं रख सकी और बुरी तरह से परास्त हो गई। कांग्रेस की इस हार को मध्य प्रदेश के सीहोर जिला के कांग्रेस अध्यक्ष रतन सिंह ठाकुर बर्दाश्त नहीं कर सके। सीहोर मतगणना केंद्र पर रतन सिंह के हार्ट अटैक से मौत हो गई। सीहोर जिला के कांग्रेस अध्यक्ष रतन सिंह ठाकुर मतगणना केंद्र पर वोटों की गिनती देखने पहुंचे थे, लेकिन अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़े। वो अपने साथियों के साथ मतगणना केंद्र पर आए थे, लेकिन जब उन्होंने वही नतीजे देखे तो गश खाकर कुर्सियों पर गिर पड़े। कांग्रेस नेता की तबीयत बिगड़ता देख उन्हें फौरन पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। चुनावी नतीजे कांग्रेस के लिए हैरान करने वाले हैं। कई बड़े कांग्रेस नेताओं की साख दांव पर लगी है। अब तक के चुनावी नतीजे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हार की कगार पर पहुंच चुके हैं। एनडीए इस बार 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया क्लीन स्वीप। विदेशों से मिली मोदी को बधाई। लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत हो चुकी है। एनडीए को करीब 348 और बीजेपी को करीब 300 सीटें मिली। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।